इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन होगी और इस दिन माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। वैसे माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती पर अलग अलग वाहनों से आती हैं। नवरात्रि के दौरान वार के अनुसार माता की सवारियाँ अलग अलग बताई गई हैं। जैसे शनिवार और मंगलवार के दिन जब भी नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। इसी तरह गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो तो माता की सवारी होती है डोली। बुधवार से शुरू होने वाली नवरात्रि में माता दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। सोमवार और रविवार को नवरात्रि का आरंभ होने पर हाथी माता की सवारी होती है। माँ दुर्गा का वाहन इस बात का संकेत देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। घोड़े को तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होता है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश दुनिया में युद्ध के हालात बनते हैं। माँ दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम जनता को भी दिक्कतों का सामना इस साल करना पड़ सकता है।